हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी बेटर एट योर होम. स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन बीवीएनई लर्निंग क्लास. दिस इज अवर इंग्लिश रीडर बुक ऑफ क्लास फोर्थ. टुडे विल बी कंटिन्यू अवर चैप्टर थर्ड, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प. After that, grammar work, synonyms. Dear students, today we'll be discuss about the remaining chapter of chapter 3rd. Let start this chapter. Be continue. Well, achha. Well, achha. I hope it works. It is so old and dirty. And saying so, he began to rub the lamp. जब अलादी ने वो ओल्ड लैम्प अपनी मदर को दिया तो आई होप इट्स वर्क्स, मुझे उम्मीद है ये काम करेगा. लेकिन यह मतलब ये काम का है, यूजफुल है, लेकिन यह बहुत ही ओल्ड और डर्टी, पुराना और गंदा है. एंड सेइंग, कहते हुए, सो इसीलिए शी, वह, शी प्रोनाउन है उसकी मदर के लिए, क्योंकि फीमेल के लिए हम शी प्रोनाउन यूज़ करते हैं. बिगन, उसने शुरू कर दिया, रब द लैम्प, लैम्प को रब करना, रगड़ना, यानी कि उसको साफ करना स्टार्ट कर दिया. इन अ फ्लैश ऑफ टाइम अनदर जीनी अपीयर्ड. उस समय क्या निकली उसमें से? फ्लैश, रोशनी निकली, और उस रोशनी के साथ अनदर मैंने दूसरा जीनी अपीयर्ड हुआ, दिखाई दिया. यस, हाँ, माय मास्टर, मेरे मालिक, आई एम एट योर सर्विस, मैं आपकी सर्विस के लिए हूँ, आपकी सेवा के लिए हूँ. टेल मी, मुझे बताओ. टेल मी, मुझे बताओ. योर विशेज, मुझे बताओ. टेल मी होता है बताना, मुझे बताओ. योर विशेज, तुम्हारी क्या इच्छा है? एंड दे, और दे विल बी फुलफिल्ड, और जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी की जाएगी. सैड द जीनी, जीनी ने कहा. सैड होता कहना. बाउइंग रिस्पेक्टफुली, बिल्कुल आदर के साथ. द बॉय एंड हिज मदर स्टेयर एट हिम विदाउट अटरिंग अ वर्ड. अलादीन, वह लड़का और उसकी माँ स्टेयर एट हिम, उस जीनी को स्टेयर करते रहे, घूरते रहे, बिना अटरिंग अ वर्ड, यानी कि कुछ भी शब्द कहे बिना. आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट. ओबीडेंट होता है स्टूडेंट, आज्ञाकारी. जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें लिखते हैं ना, यू आर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य है. तो ओबीडेंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, और सर्वेंट होता है नौकर. टेल मी वट यू वॉन्ट. टेल मी, टेल होता है बताना, मुझे बताओ. मी मैंने मुझे बताओ. वट मीन्स क्या? यू वॉन्ट, वॉन्ट होता है चाहना. जीनी बार बार कह रहा है अलादीन से और उसकी मदर से कि तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ. रिपीटेड द जीनी, बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है. आई एम यूर, सॉरी, अलादीन सेड सॉफ्टली. अलादीन ने सॉफ्टली, बड़े विनम्र के साथ कहा, ब्रिंग अस अ लवली मील. लवली होता है बढ़िया सा, और मील होता है भोजन. ब्रिंग होता है लाना, अस मतलब हमारे लिए, दोनों के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, उसकी मदर और अलादीन के लिए. तो कहा है कि हमारे लिए अच्छा सा भोजन लेके आओ. जीनी को ये कमांड दिया उन्होंने, किसने? अलादीन ने. एंड फ्रॉम दैट डे देयर पुअर डेज वर ओवर. और उस दिन से, दैट डे, उस दिन से, जिस दिन से वो ओल्ड लैम्प आया है, जीनी प्रकट हुआ है, उनकी विशेष को पूरा किया है, देयर पुअर, उनकी जो गरीबी थी, जो गरीबी के दिन थे, पुअर डेज थे, वर ओवर, यानी कि ख़त्म हो गए थे. अलादीन एंड हिज मदर, अलादीन और उसकी माता जी, हैड एवरी थिंग दे कुड विश फॉर. अलादीन और उसकी माता थी, एवरी थिंग, जो कुछ भी, दे कुड विश फॉर, वो जो भी इच्छा करते थे, जो भी उनकी इच्छा थी, फूड, क्लॉथ्स एंड अ फाइन होम, खाने की, कपड़े की, अच्छे घर की. द जीनी ग्रांटेड दैम एवरी थिंग दे आस्क फॉर. जो जीनी था, ग्रांट होता है पूरा करना, विश को पूरा करना. जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो, काइंडली ग्रांट मी फुलफी, जो भी लिखते हो, आपकी इच्छा होती, जो भी एप्लीकेशन में आप लीव लेते हो, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखते हो, तो ग्रांट होता है पूरा करना. देन एवरी थिंग दे आस्क फॉर, जीनी उनकी हर इच्छा को पूरा करता था, ग्रांट करता था, जो भी वो कहते थे. द टाइम पास्ड हैप्पीली, और जो उनका समय था, बड़ी हैप्पीली, यानी कि खुशी खुशी से बीत रहा था.
क्योंकि पहले बेचारे वो गरीब थे, दुख के जीवन जीते थे, जब से जीनी अपीयर हुआ है, उन्हें ओल्ड लैम्प मिला है, तो उनकी सारी विशेष पूरी हो गई है, अब वो खुश हैं। अलादीन ग्रू इंटू अ टॉल हैंडसम यंग मैन एंड हिज मदर फील दैट इट वॉज टाइम टू गेट हिम अ वाइफ। अलादीन अब ग्रू यानी कि बड़ा हो गया है, अब वो टॉल यानी कि साइज में आकार में बड़ा हो गया, उम्र में बड़ा हो गया है, अब वो दिखने में सुंदर लगता है, एक यंग मैन एक युवा व्यक्ति बन गया है वो बच्चे से। अब उसकी मदर ने फील किया, ये महसूस किया, फील होता है महसूस करना, फील की सेकंड फॉर्म है फेल, कि इट इज़ वट टाइम, अब ये समय है कि गेट ही माई वाइफ, उसकी एक वाइफ होनी चाहिए, इट मीन्स उसकी शादी हो जानी चाहिए। वन डे एक दिन अलादीन सा द सुल्तान डॉटर, सी होता है देखना, सी की सेकंड फॉर्म में सा, किसको देखा अलादीन ने, सुल्तान की डॉटर को, बेटी को, उसका नाम था हेलिमा। सी वाज सो ब्यूटीफुल, वह बहुत ही सुंदर थी, सो ब्यूटीफुल तो सुंदर होता है स्टूडेंट, सो लगाकर एडवर्ब लगा के उसकी क्वालिटी और भी बढ़ गई है, दैट ही फील इन लव विद हर, वह इतनी सुंदर थी दैट की ही यानी कि अलादीन फील इन गिर जाना, उसके प्यार में गिर गया, उससे उसे प्यार हो जाता है। I will go and ask the Sultan for his daughters and said his mother. His mother said, यानी कि उसकी माँ ने कहा, I will go, मैं जाऊँगी and ask the Sultan और उससे मांगूँगी उसकी बेटी का हाथ, his daughter hand. When he told her about it, कि वह इसके बारे में क्या कहता है या मुझे क्या बताता है। Next paragraph. She arrived at the palace with pots of full diamonds for the Sultan. She arrived. अलादीन की मदर पहुंच जाती है उस सुल्तान के पैलेस में, पैलेस होता महल में, क्या लेकर गई है, पॉट्स ऑफ फुल ऑफ डायमंड, जो पॉट होते हैं, मटके होते हैं, वो घड़े होते हैं जो किससे भरे हुए, डायमंड से, हीरे जवाहर से भरे हैं, वो किसके लिए, सुल्तान के लिए लेके जाती है। डियर स्टूडेंट, जब भी हम अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो उपहार के तौर में कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, ऐसा आप भी मानते हो, आप किसी रिलेटिव के जाते हो तो अपने साथ कुछ गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर हम लोग, ये हमारे जो हिंदू कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति में ये एक रिवाज है, एक परंपरा है कि अगर हम किसी से मिलने जाते हैं अपने रिश्तेदारों से तो उनके लिए उपहार के रूप में कुछ वस्तुएं लेकर जाती है। ऐसे अलादीन की मदर सुल्तान के लिए डायमंड्स के पोट घड़े लेकर गई थी। बट परंतु सुल्तान सैड, सुल्तान ने कहा, इफ़ मीन्स यदि, अलादीन वांट टू मैरी हेलिमा, अगर अलादीन किससे शादी करना चाहता है, उसकी जो बेटी है हेलिमा, ही मस्ट सेंड मी 50 स्लैब ईच कैरिंग अ बॉक्स ऑफ प्रीसियस स्टोन्स। अगर कंडीशन रखी है सुल्तान ने अलादीन के लिए, अगर वो शादी करता है उसकी बेटी, कि ही मस्ट, वह मुझे अवश्य सेंड मी, मुझे भेजेगा 50 स्लैब, 50 होते 50, स्लैब्स होते 10, कि मुझे 10 लेकर भेजेगा, और ईच, प्रत्येक दास के पास, कैरिंग ए बॉक्स ऑफ प्रीसियस स्टोन, और उसके पास बहुमूल्य कीमती पत्थर कमीन से जो भी जवाहरात है, जो भी है, वो सब कुछ लेकर आएंगे, वो 50 जो दास मेरे लिए आएंगे, वो बहुमूल्य कीमती पत्थर जो भी जवाहरात है उनको भेजेगा, तभी मैं इस शादी के लिए हाँ करूँगा। आल्सो बी ही मस्ट बिल्ड अ स्प्लेंडेड पैलेस फॉर हर, और इसके साथ साथ उसने कहा क्या, कि उसे मस्ट होता अवश्य, बिल्ड करना है, बनाना, एक स्प्लेंडेड होता है शानदार, स्प्लेंडेड होता है शानदार, पैलेस बनाना है, पैलेस होता है महल, फॉर हर, उसने कंडीशन रखी सुल्तान ने कि वह मेरी बेटी के लिए एक बढ़िया पहले महल बनाए, तब मैं शादी करूँगा, और मुझे 50 नौकर चाहिए, दास चाहिए, जो वो सभी दास अपने साथ क्या लेके आएंगे, एक कीमती स्टोन पत्थरों का बॉक्स लेकर आएंगे, बक्सा लेकर आएंगे। शी इज़ नॉट यूज टू लिविंग इन अ स्मॉल हाउस, सुल्तान कहता है कि मेरी बेटी उस छोटे से घर में नहीं रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन अलादीन हियर द डिमांड ही टोल्ड द जीनी ऑफ द लैम्प अबाउट द सुल्तान डिमांड्स। व्हेन मीन्स जब अलादीन ने हियर तो सुना, किसकी डिमांड को, उस सुल्तान की डिमांड को, ही टोल द जीनी, उसने जीनी को बताया, जो लैंप वाला जीनी था, जो लैंप से प्रकट होता था, अबाउट द सुल्तान डिमांड, सुल्तान की डिमांड को जब बताता है अलादीन, जीनी क्लैप्ड हिज हैंड, क्लैप्ड होता है
ताली बजाना। तो जीनी क्या करता है, क्लैप करता है अपने दोनों हाथों से। एंड इन नो इंस्टेंस द 50 स्लैब द बॉक्स ऑफ जेलस एंड द पैलेस ऑल अपीयर्ड। नो इंटेंस यानी कि बिना किसी देर के, कुछ कहे बिना ही उसने 50 दास जो सभी के पास क्या था, ज्वेलर्स के भरे हुए बक्से थे, और तुरंत ही एक अच्छा सा महल ये सभी जीनी ने अपीयर कर दिया, तुरंत ला दिया। द वेडिंग टू प्लेस विद लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। उनकी जो वेडिंग थी, शादी इस जगह पे हुई जहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रेशन, बहुत सारे महोत्सव जैसे कार्यक्रम समारोह किए गए, बहुत अच्छी शादी हुई थी। विद ऑल दिस, इन सब के साथ अलादीन बिकेम वेरी फेमस। अब अलादीन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था, हर कोई उसे जानता था। पहले गरीबी के कारण उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन अब वो अमीर हो गया, सुल्तान की बेटी से उसका रिश्ता हो गया, तो सभी उसको जानने लगे। एवरी वन हियर ऑफ हिज वेल्थ एंड फॉर्चून। सभी ने उसकी धन की, यानी कि उसके पास धन कैसे आया, और फॉर्चून होता है भाग्य, कि उसका जो भाग्य किस्मत, इन सब के बारे में सब जान गए थे, सब सुना था। द स्ट्रेंजर आल्सो हियर अबाउट इट। जब सब लोग उसकी प्रसिद्धि के बारे में जान गए थे, तो स्ट्रेंजर जो अजनबी जो अलादीन को उस मेन हॉल में धक्का देकर वहीं छोड़ गया था, उसने भी अलादीन की फेमस यानी कि उसकी अमीर होने की कहानी का उसे भी पता चल जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही ड्रेस्ड एज अ मर्चेंट केम टू द अलादीन हाउस। ही ड्रेस, वैसे पोशाक पहन के आता है, ऐसे कपड़े जैसे कोई मर्चेंट व्यापारी होता है, व्यापारी बनकर अलादीन के घर के पास आया। ही कॉल टू द प्रिंसेस ओल्ड लैम्प्स फॉर न्यू। वह महल के पास आकर उस प्रिंसेस से, अलादीन की वाइफ, उससे राजकुमारी से आकर कहता है, पुराने लैम्प के बदले में नया लैम्प ले लो। अलादीन हैड नेवर टोल्ड हलीमा द सीक्रेट ऑफ द लैम्प। अलादीन ने हलीमा यानी कि अपनी पत्नी को उस लैम्प की सीक्रेट, उस रहस्य के बारे में नेवर, कभी भी नहीं कुछ टोल्ड किया, बताया। एंड और सो, इसलिए अननोंगली, वह बिना जाने, उसे उसके बारे में पता नहीं था, अनजान थी, अज्ञान थी। द प्रिंसेस फैच द ओल्ड लैम्प एंड गेव इट टू द, और जो फैच यानी कि जो राजकुमारी है, उसने पुराने लैम्प को उठाया और उसे जाकर मर्चेंट को इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू वन, एक्सचेंज होता है बदले में, उस व्यापारी को दे दिया, नए पुराने के बदले में नया ले लिया। सी एक्चुअली वांटेड टू सरप्राइज अलादीन। सी वास्तव में, एक्चुअली होता है वास्तव में, जानना चाहती थी उस सरप्राइज के बारे में अलादीन को, जो सरप्राइज है, जो ये पुराना सरप्राइज देना चाहती थी कि उसने कैसे पुराने के बदले में नया लैम्प ले लिया। द मर्चेंट क्विकली बिगन टू रब द लैम्प एंड द जीनी वाज नाउ एट द सर्विस ऑफ विक्ड मैन हु हैड द मैजिक लैम्प बैक। मर्चेंट ने जैसे ही उसे पुराना ओल्ड लैम्प मिला, क्विकली जल्दी से बिगन, उसे शुरू कर दिया रब करना, लैम्प को रगड़ना, और तभी क्या होता है, जीनी, जो जीनी है वो अपीयर हो गया तुरंत उसकी सर्विस के लिए, उसकी सेवा के लिए। वो जो विक्ड मैन था, जो दुष्ट स्ट्रेंजर वो आदमी था, और उसके पास वो वापस वो लैम्प आ जाता है, क्योंकि जो जीनी है उसे तो अपनी सेवा देनी होती है, जो उसे बुलाता है वो उसके लिए, तो वही उसका मालिक होता है। इन नो टाइम ही विस्क्ड अवे ऑल ऑफ अलादीन पोजिशन एंड सेंड द पैलेस एंड द प्रिंस टू एन अननोन लैंड। इन नो टाइम कहता है ज़्यादा वक्त नहीं है, वी विस्क्ड अवे, हमें यहाँ से खिसक जाना चाहिए, तुरंत चला जाना चाहिए। ऑल ऑफ अलादीन पोजिशन होता है अलादीन की सारी संपत्ति लेकर, एंड सेंट द पैलेस, इस महल को लेकर, और इस प्रिंस, उसकी पत्नी को, रानी को लेकर किसी अननोन लैंड पर, यानी किसी अज्ञात, नोन होता है जानना और अननोन होता है नहीं जानना, जिसका पता ना हो, अज्ञात लैंड पर, जगह पर इसे ले चलते हैं। नोबडी न्यू दैट, नोबडी कोई भी नहीं, एवरीबॉडी होता सभी, और नोबडी कोई भी नहीं, न्यू नहीं जानता, व्हाट हैड हैपन, कि ये सब कैसे हुआ होगा। अलादीन एंड द सुल्तान वर वेरी वरीड एंड वर एट देयर विट्स एंड। अलादीन और सुल्तान, जो उस प्रिंसेस के पिता थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा वरीड हो गए, चिंता हुए, एंड वर इट देयर विट्स एंड, कि सब कुछ क्या हो गया अब उनके साथ, अंत में ये क्या हो गया जाकर। देन तभी अलादीन रिमेंबर द जीनी ऑफ द रिंग,
तभी अलादीन ने क्या किया, उस रिंग वाले जिमी को बुलाया, रिमेंबर किया, याद किया. सो इसीलिए ही रब्ड द रिंग एंड इमीडिएटली द जीनी अपीयर बिफोर हिम. इसीलिए उसने क्या किया, जो रिंग पहनी थी, सबसे पहले जो रिंग वाला जो जीनी था उसने रिंग को रबड़ किया, उसे घुमाया यानी कि उसे रगड़ा, और तुरंत ही इमीडिएटली ही द जीनी अपीयर बिफोर उसके सामने जीनी प्रकट हो गया. टेक मी टू द पैलेस वेयर द विक्ड मैन हैज हाइडन माय वाइफ, ऑर्डर द जीनी. उसने उस जीनी को कहा कि टेक मी, मुझे उस स्थान पर ले जाओ जहाँ पर, वहर मैंने जहाँ पर जो उस विक्ड मैन ने, उस पापी आदमी ने, हैज हाइडन माय वाइफ, मेरी पत्नी को छुपाया है. उसने ऑर्डर देते हुए, आदेश देते हुए जीनी से कहा. इन अ सेकेंड ही फाउंड हिमसेल्फ इनसाइड हिज ऑन पैलेस. इसी क्षण, उसी सेकंड के अंदर, उसी क्षण के अंदर ही फाउंड हिमसेल्फ, अलादीन ने अपने आप को अपने ही महल के अंदर, इनसाइड अंदर, हिज ऑन पैलेस, अपने ही महल के अंदर पाया. ही एडिड ए पाउडर क्वाइटली इनटू द विक्ड मैन टी. उसने एक पाउडर को जल्दी से क्वाइटली चुपचाप, क्वाइटली तो चुपचाप, जो विक्ड मैन की टी थी, चाय थी, दुष्ट आदमी की जिसने रानी को चुराया था, उसकी चाय में जाकर वो पाउडर डाल देता है, ऐड कर देता है उसकी चाय में. एंड और एज सून एज, जैसे ही स्लिप द, सॉरी सिप्ड, सिप्ड होता है पीना, घूट घूट भरकर पीना. तो जैसे ही वो शिप्ड द टी, चाय को घूट, चाय की घूट पीता है, ही फील इन टू अ डीप स्लिप, और वह गहरी नींद में सो जाता है. स्लिप होता है सोना, डीप मैंने गहरी नींद में सो जाता है. अलाउद्दीन फाउंड द लैम्प एंड रब्ड इट क्विकली. अलाउद्दीन ने उस लैम्प को फाउंड कर लिया, उसे वो लैम्प मिल गया. एंड और रब्ड इट क्विकली, और उस लैम्प को उसने जल्दी से, क्विकली, तेजी से रब्ड किया, उसे रगड़ा. यस, हाँ मास्टर, मेरे मालिक, आई एम एट योर कमांड, मैं तुम्हारी कमांड के लिए हूँ, तुम्हारे आदेश के लिए हूँ. वट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. वट मीन्स क्या, कैन मीन सकना, आई मैं, डू करना, फॉर यू तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ. आस द जीनी विद अ स्माइल, जीनी स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए बोला अलादीन से कि मालिक मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. पुट दिस विक्ड मैन इन चेन एंड सेंड हिम अवे फॉर वेयर ही विल नेवर बी फाउंड अगेन, द जीनी डिड एज ही वॉज ऑर्डर टू डू. पुट यानी कि रखो इस विक्ड मैन को, उस आदमी को, दुष्ट आदमी को चैन में बांध कर रखो, और सेंड हिम, और इसे फार अवे, बहुत दूर ले जाओ, वेहर जहाँ से ही विल नेवर बी फाउंड अगेन, ये कभी दोबारा ना आ सके, या ये कभी दोबारा हमें ना मिले. द जीनी डिड एज, जीनी ने ऐसा ही किया, ही वाज ऑर्डर टू डू, जैसा उसे ऑर्डर दिया गया, अलादी ने जैसा उसे ऑर्डर दिया, आदेश दिया, जीनी ने वैसा ही किया. एंड सो द विक्ड मैन वैनिश, और अब जो विक्ड मैन था वो वैनिश हो गया था, गायब कर दिया था, वहाँ से हटा दिया था. नाउ अब अलादीन सेड, अलादीन ने कहा, टेक माई वाइफ एंड मी एंड दिस पैलेस बैक होम. जीनी से कहा, मुझे मेरी वाइफ को और मेरे महल को, पैलेस को, बैक होम, वापस मेरे घर ले चलो, उसी जगह ले चलो. एज यू ऑर्डर सर, जैसा कि आपका आदेश है श्रीमान जी. जीनी ने कहा, मालिक को, आप तो मेरे मालिक हो श्रीमान जी, जैसे आपने कहा. रिप्लाई द जीनी, जीनी ने वैसा ही उत्तर दिया. एंड और सो इन ए फ्लैश, एक चमक के साथ, द पैलेस रोज इन टू द एयर, जो महल था वो हवा में रोज कर रहा था, यानी कि उड़ता हुआ दिख रहा था. एंड स्पेड ओवर द सुल्तान किंग, और वो सुल्तान के किंगडम यानी कि उसके साम्राज्य से ऊपर होता हुआ जा रहा था. इट जेंटली केम डाउन द अर्थ, और बिल्कुल आरामदारी से, बड़े ही धीरे, एकदम कहते भद्र, यानी कि बिल्कुल आरामदायक, अच्छे तरीके से अर्थ पर उसे ला रखा, यानी कि उस महल को नीचे ले आया. एंड लैंडेड ऑन इट इज ओल्ड साइड, उसी पुरानी जगह पर वह लैंड हुआ, नीचे उतारा गया वही महल अलादीन का, जिस घर, जिस जगह से उस विक्ड मैन ने वहाँ से उठाया था. एंड और देर आफ्टर, इन सब के बाद अलादीन एंड हिलिमा लिव्ड हैप्पी. अलादीन और हिलिमा यानी कि प्रिंसेस जिसने अलादीन से शादी की थी, हिलिमा उसकी जो पत्नी है, प्रिंसेस है, अब वो दोनों हैप्पीली, खुशी खुशी लीव करते हैं, रहते हैं, अब उनके बीच में कोई भी नहीं है. तो डियर स्टूडेंट, दैट्स इनफ फॉर द डे.
दिस चैप्टर कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी डू दिस चैप्टर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर. थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टे होम, स्टे सेफ.